मैं तो ये फर्क क्या? वही क्या फर्क? क्यूट सा भाई मेरे से मिलने आया था, ये मुझे कह रहा था कि ऑटोग्राफ दो। मैंने सोचा कि यार, मैंने इसे बोला कि अभी इतना बड़ा नहीं हूँ मैं कि मैं आपको ऑटोग्राफ दूंगा, लेकिन हाँ इतना कर सकता हूँ कि अब दोस्त तो सारे गद्दार निकले, चलो अब हम सफर को आजमाते हैं। मुझे इन परियों का कुछ नहीं कर रहा है, मम्मी ने मुझे ऑलरेडी एक अच्छी सी परी ला के दी है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ए, मैं क्या चुपा था सुनो सुबह हवलदार। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी टू फैमिली, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, असल पढ़ोगे, खुश पढ़ोगे। तो जी फैमिली, मैं अभी डॉक्टर से वापस आ रहा हूँ। पीछे आप देख रहे हैं कि मम्मी पिछले 4 दिनों से बेचारी बीमार है। आप लोगों ने अगर मेरा पिछला वाला ब्लॉग देखा होगा जिस दिन हमारे घर पर मेहमान आए, उसी दिन को उसी शाम को फिर मम्मा बीमार हो गई और तब से लेकर अभी तक मम्मी बीमार ही हैं। तो मैं सुबह उठा, मैंने पहले बर्तन वगैरह धोए, वो धोए मैंने, फिर मैं मम्मी के साथ गया डॉक्टर के पास, इंजेक्शन वगैरह करवाए और बीपी वगैरह चेक करवाया। और इन 4 दिनों से सारा कुछ काम खुद ही करना पड़ता है। अब मम्मी करती थी काम वगैरह तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन जब से फिर मम्मी बीमार हो गई अब फिर से खुद ही करना पड़ता है। तो अभी आज अच्छी खासी धूप है, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो कपड़े वगैरह जो मैंने उस दिन डाले थे वो अंदर बाथरूम में, वो भी बाहर डालेंगे धूप में, और देखेंगे क्या कुछ करने को मिलेगा। फिर मम्मी के लिए लिप्टन चाय भी बनाएंगे, खुद भी पियेंगे और मम्मी को भी देंगे, क्योंकि मम्मी को पूरी जो नमकीन चाय है वो बांधी गई ऑलमोस्ट, क्योंकि बीपी बहुत ही ज़्यादा है, कम नहीं हो रहा है। चलिए मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ और देखते क्या कुछ रहता है, और जो जो होगा इस व्लॉग में वो मैं पूरा दिखाऊंगा। आप सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना, ओके। और मम्मी के लिए दुआ करो कि मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि अगर मम्मी से ऐसा बीमार तो फिर मुझे पूरी टेंशन होती है, क्योंकि पापा बेचारे जाते हैं काम पर, अदनान छोटा है वो खेलने वगैरह जाता है, तो फिर मुझे घर पर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो प्लीज़ मम्मी के लिए दुआ ज़रूर करना सब लोग। आज का बाहर का मौसम बिल्कुल साफ क्लियर है पूरा, लेकिन शाम को कुछ होता है। फिर कपड़े यहाँ पे ये उठाते हैं, चलिए। ओह लगभग ही सूख ही गए हैं, फिर भी ताप को ताप ही। कपड़े भी डाल दिए मैंने यहाँ पे, देखिए इसका होता है फिर गड़बड़ मौसम का। अदनान घर आया, उसने स्कूटी भी ली और मुझे 100 रुपीज लिया और कहीं चला गया। और अभी मैं अभी टाइम आ चुका है 1:15, मैंने वो सुबह बनाया, नमाज भी पढ़ते हैं, और मम्मी को बोला है डॉक्टर ने कि आप दिन को खाना नहीं खाना, क्योंकि इनको बीपी भी था और फीवर भी था। अब हम लिप्टन चाय बनाएंगे, मम्मी भी पिएगी और मैं भी पीऊँगा, ओके। मैं वही फ़र्क क्या, वही क्या फ़र्क छोड़ गई है, क्या लिप्टन चाहिए पास में सोन व्यून छलित बस वन इस एम जी स्टील वोल टीन वोल है बह ग अम सी मगर वो आज से ये वो गु पग वारा चुन ठीक पग गए वन थल वाल बाग बे सोनी क्या کیسے اس آڈینس ہے نا مطلب اگر میں 100% آڈینس ہے نا 60 ہو تو اصلی والی لگا جو نیچرل ہوتی ہے سب پزی سے آسان تو سات جون یہ ٹھیک ہے تو وہ سوچا میں اتن بہ بادل بہ بان نے صبح مزیدار اوکے جی مائی ڈیئر فیملی یہ والا شوٹ ہو رہا ہے پچھلے 2 گھنٹے بعد क्योंकि मैंने नमाज पढ़ी उसके बाद चाय पी और उसके बाद मैंने मम्मी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। तो मम्मी अकेले बोर हो गई थी तो थोड़ा सा हंसाया मम्मी को, तो फिर मम्मी सो गई, फिर से आराम पड़ा। तो मैंने सोचा कि अपनी फैमिली को दिखाते हैं मुझे कौन से फ्लावर्स लाने हैं और क्यों लाने हैं। आप लोगों को पता होगा कि मैंने पिछले टाइम ये वाले लगाए थे वहाँ तक, वहाँ से सारे को। तो फिर जो मेरी ऑडियंस है उन्होंने कहा कि जो ये आर्टिफिशियल है आर्टिफिशियल से बेटर रहता है कि आप असली वाले लाओ, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो मैंने मम्मी से बोला, मम्मी ने बोला था मिशी ने पूछ सोच के, तो
अगर आनंद सिंह आएगा तो मैंने बोला कोई मसला नहीं, मैं खुद लाऊंगा। और मुझे आज जाना था MG स्टील का है वो कंपनी है वहाँ पर डायरेक्ट, तो वहाँ से लाना था मुझे, उनसे करनी थी टीन वगैरह की बात, क्योंकि सोच रहे थे कि इसमें काम लगाएंगे। लेकिन हमारे कश्मीर में जो अभी मौसम चल रहा है, बिना मौसम की जो बारिश हो रही है उससे सभी लोग परेशान हैं। मतलब अच्छा ना कश्मीर में मौके सोरी कारी वो सच बात है, उस वजह से हर घर में परेशानी है, दिक्कतें आ रही है। तो मैंने सोचा मैं उससे बात करूँगा, उसे बोलूँगा कि 5-6 दिनों के बाद ज़रूरत है, वहाँ भी मैं अब कल जाऊँगा और फ्लावर वाले के पास भी मैं कल जाऊँगा। वो मेरे इस पर सब्सक्राइबर भी है, लड़की है, तो इंस्टाग्राम पे भी है, फॉलो किया उसने, तो मैंने देखा था वहाँ पे फ्लावर फ्लावर्स वगैरह। तो उसने बोला कि आप यहाँ आओ, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा, तो और आपको हाइब्रिड वाले मैं दूंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो फायदे से तद गए गसुन, तो इंशाल्लाह आप मैं कल जाऊँगा, क्योंकि जो नेचुरल होता है ना उनकी जो होती है ना, मतलब बिल्कुल अलग ही होता है। देखिए जैसे कि ये इसी इसको बोलते हैं ये दोनकुल, जब ये बड़ा होता है तो अच्छी खासी मतलब अच्छा खासा लगता है। देखिए ऐसे ये इसको वो गुलाई में वो छतरी बनती है, ये भी बढ़िया लगता है। ऐसे ही ये वाला भी देखिए, ये जब होता है ये पूरा ऊपर से गोल जैसा बनता है। और देखिए असली वालों में और आर्टिफिशियल वालों में फ़र्क होता है। ये भी अच्छे लगते हैं लेकिन कुछ टाइम तक, ये बात सही है। अभी देखिए आप सुबह का मौसम भी देख सकते थे पहले जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, और अभी का मौसम भी देख सकते हो। देखो यार अभी 5-10 मिनट ही रुकना है, एकदम से धड़ाधड़ बारिश स्टार्ट होगी। हम कर भी क्या सकते हैं, अल्लाह के सामने हम कुछ भी नहीं कर सकते, अच्छे मजबूर। लेकिन हाँ हम इतना कर सकते हैं, जो हम लोग गलत काम कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, उनसे हम लोग तौबा कर सकते हैं, पीछे हट सकते हैं, तलमा आन दिया है। वरना यार हमें पता भी नहीं चलेगा और पूरी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। तो अब आपसे इंशाल्लाह कल मिलते हैं, या देखते हैं अगर कुछ रहा शाम तक दिखाने को तो वो मैं दिखाऊंगा, तो अगर नहीं तो इंशाल्लाह आपसे अब कल मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट इज योर नेम? दिस इज राकिर अख्तर, आई एम फ्रॉम जेलिमन हॉस्पिटल। तो विश्व भारत में गुजारिश करना चाहता हूँ, रेस्पेक्ट करना चाहता हूँ कश्मीर लोग और कश्मीर अवाम को। मैं अपील कर रहा हूँ बॉयज एंड गर्ल्स को, अपील करना चाहता हूँ, फोन वोन बंद करो, अगर पढ़ना चाहिए पढ़ाई करो, मगर ये फोन वोन बंद रखो, फोन चलाता है, हेलो बेबी कहाँ है? ओके जी फैमिली, आज है 22nd और टाइम आ चुका है 1:30 से वो पूरे पूरे होंगे। मम्मी गई है चाची के यहाँ और मुझे जाना है पहले MG स्टील पे टीन वाले के पास, वहाँ भी जाएंगे, उसके बाद जाना है फ्लावर वाले के पास। फिलहाल मैं पहुँचा MG स्टील पे, वो है वहाँ पे। अभी तो रोड क्रॉस कर रहा है पहले। फिलहाल मैं पहुंचा यहाँ पे, हम लोग यहाँ का सारा कुछ काम तो हो गया। इसने बोला कोई मसला नहीं है, जब तुम्हें जरूरत होगा वो मसला नहीं। ये लोग मुझे जानते हैं, इसी मैंने पहले इनके पास थोड़ा सा उठाया था टीना, फिर मैंने और उठाया, फिर इनको मेरी वजह से यहाँ पे आए 5-6 कस्टमर्स, तो वैसे इनके साथ थोड़ा हाई हेलो हो गया। अभी मुझे जाना है यहीं से डल गेट, लेकिन पहले मैं घर जाऊँगा, मैं जैकेट लगाऊंगा क्योंकि ठंड फिर ज़्यादा होती है। तो मैं सोच रहा था किसी को साथ लूँ, अब दोस्त तो सारे गद्दार दिख गए, चलो अब हम सफ़र को ही आजमाते हैं। थोड़ा क्या होता है मैं बोर नहीं हो जाऊंगा, वैसे मैं बोर हो जाऊंगा डल गेट तक, मुझे वहां पे वो फ्लावर्स का काम, तो चलिए। लेकिन पहले मैं घर जाऊंगा, मैं जैकेट लाऊंगा वहां से, और देखते कौन आएगा साथ, अगर आएगा कोई तो ठीक है, अगर नहीं तो वैसे आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा। मैंने अभी ऊपर से हुडी लगाई क्योंकि शाम के टाइम कश्मीर में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तो इसलिए। और देखते देखते टाइम आ चुका है 2:30। यहाँ से देखिए क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, बढ़िया कमाल है यार, माशाल्लाह यार व्यू देखो। आज मैं बहुत टाइम के बाद डल गेट आ रहा हूँ, मतलब बहुत टाइम, लगभग 1 साल के बाद लगभग। यहाँ पे मुझे आना था, जो यहाँ पे नर्सरी है, तो यहाँ पे अच्छे मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी वाले, इनसे बात करके रखेंगे तो फिर इंशाल्लाह कल आएंगे। चलिए यहाँ तक देखिए, देखिए इतने सारे हैं यहाँ पे अलग अलग वैरायटीज़ के, ये देखिए वहाँ से भी
वो वाले ज़्यादा, वो वाले कलर्ड, एंड ये वाला मैंने बोला था, ये वाले। ओके ये वाले देखिए, इनमें क्या होता है, ये ओनली ग्रीन होते हैं, और जो इनके होते हैं ना फ्लावर्स नहीं गिरते हैं, जैसे ये देखिए, और ये भी ज़ेब्रा वाले। ये रही सी टिकट, और ये रहा यहाँ का कुछ लुक। अभी मैं थोड़े से सनमेट साहब को दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पहुँचा ही था नर्सरी के पास, यहाँ जो ट्यूलिप गार्डन के पास है, तो मैंने सोचा यही से आते हैं परी महल। ये है यहाँ का कुछ व्यू, ये सबसे टॉप पे यहाँ पे आता है, वहाँ पे कहता है कि वहाँ पे वो मैं दिखाऊंगा अभी, यहाँ पे परियाँ रहती थी। ये रहा जी, इसमें कहते हैं कि परियां वगैरह कुछ कैद थी, लेकिन मुझे उनका कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैं क्या चपाता था सुबह हवलदार, लेकिन मुझे इन परियों का कुछ नहीं करना है। मम्मी ने मुझे ऑलरेडी एक अच्छी सी परी ला के दी है। चलिए अभी नीचे जाते हैं, मैंने सोचा कि थोड़ा सा बस टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं, काफ़ी इंजॉय किया, ज़बरदस्त लगा। तो अब मैंने पहले ही बताया था कि अब वो आप लोगों को स्टार्टिंग में देखा होगा, दोस्त वगैरह तो गद्दार निकले, हम सफ़र को आजमाते हैं। तो चलिए अभी नीचे जाते हैं और देखते क्या। आज है दूसरा दिन और यहाँ पे फ्लावर्स भी पहुँचे हैं, 50 लाए मैंने इन्होंने घर ही, मैंने आपको कल ही बोला था। वो देखिए ये सारे हाइब्रिड वाले हैं, एक तो उन्होंने इसमें डाला ये वाला। इंशाल्लाह जब ये पूरा हो जाएगा पूरे ग्राउंड में, वो आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में पता चलेगा। ये बढ़िया है, ये भी ये 12 महीने के लिए बराबर रहते हैं। अभी ये लोग नाप रहे हैं वहाँ से कि मेजरमेंट क्या आएगा। ये रही इनकी चाय, भाई व्हाट्स योर चाय भाई, किस ठंड। इस व्लॉग को एंड करते हैं, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया, वो आपको नेक्स्ट वाला व्लॉग में पता चलेगा क्यों मैं थका, क्या हुआ। तो इस व्लॉग को एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ कमेंट्स पढ़ते एक दो। तो पहली कमेंट की है व्लॉग्स भाई अमान ने, आयन भाई आप किस ऐप से व्लॉग एडिट करते हो प्लीज़ ज़रूर बोलना। ये सवाल ना बहुत सारे लोगों का होता है, मैंने आपको कई बार बोला है कि मैं VN से एडिट करता हूँ, VN बेस्ट ऐप है, उसे अच्छा एडिट होता है और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है, मैं उसी ऐप से एडिट करता हूँ। और एक कमेंट किया आयशा कयूम ने, हाउस बोट फलस्तीन। देखो एक चीज़ मसला है, हम कश्मीरी जो है ना, हम करते हैं उनको सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा, लेकिन हम कुछ लोग हैं जो व्यूज़ के लिए रील्स बनाते हैं, वो मैं नहीं कह सकता यहाँ पे, वो मेरा टॉपिक नहीं है। लेकिन हम लोग इतने मजबूर हैं कि हम लोग मतलब उनको भी सपोर्ट नहीं कर सकते। ये हमारी कहानी कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसा कौन तुम्हें सपोर्ट करे थी, क्योंकि जो अभी कश्मीर की हालात है ना वो इतनी ख़राब है ना, सबको पता है कि कश्मीर में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा। बस यही था मेरा, अगर आप लोग भी ऐसा सोचते हो, ऐसा हो रहा है तो बताना ज़रूर। कमेंट की है फौजी फारूक ने, बैयू लिखा है इसने, बैयू आपका कज़न आपसे बिल्कुल इंस्पायर हुआ है, फिर ये इतना अच्छा व्लॉग बना पा रहा है। उसमें उबैद ने बनाया था व्लॉग थोड़ा सा 1-2 मिनट का, अगर आपने वो वाला व्लॉग नहीं देखा तो जाके देखिएगा, आपको समझ आएगा, उसने उसमें व्लॉग बनाया था और बहुत ही अच्छा था। तो इसी के साथ ये व्लॉग एंड करते हैं, उम्मीद है कि आप लोग को ये प्यारा सा व्लॉग पसंद आया होगा, और उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, मैंने कहा था दोस्त गद्दार निकले हम सफ़र को आजमाते हैं, ये सब इस दुनिया की कहानी है कि जब आपके पास कोई किसी का मतलब होगा तब वो आपके साथ है, तब वो आपको सब कुछ मानेगा, जब मतलब ख़त्म हुआ तो आपकी कदर बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी के साथ ये व्लॉग एंड करते हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को प्यारा सा व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगले से व्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।